मॉर्निंग दोस्तों, झूठा वादा करने से अच्छा है कि विनम्र इनकार कर दें, क्योंकि झूठा वादा करने के बाद आप अगर उस वादे को पूरा नहीं करते हैं तो उससे ज्यादा ठेस पहुंचता है इंसान को। इसलिए झूठा वादा ना करें, और उससे अच्छा है कि आप विनम्र से इनकार कर दें। थोड़ा देर के लिए कष्ट होता है, लेकिन वह बाद में जाके बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मेरा टॉपिक जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर का चल रहा है वह क्लियर नहीं हुआ अभी तक, तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गियर। हम लोग को डिस्कस करना है दोस्तों आज गियर टॉपिक पे। गियर होता क्या है, इस पर हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि गियर क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ पावर का एक पार्ट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन इससे कुछ विशेष खासियत था जो हम लोग जाने थे पिछले क्लास में, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ से दूसरे साथ पर पावर तो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन स्पीड को आसानी से चेंज करते हैं। जैसे जहां पर हम स्टेप पुली का उपयोग कर रहे थे, तो वहां पर हमको बेल्ट को बदलना पड़ रहा था। यहां पर हमको मशीन रोक के बेल्ट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां पर डायरेक्ट हम गियर को चेंज कर देते हैं और मेरा स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। दोस्तों यहां पर क्या होता है, पावर का लॉस नहीं होता है दोस्तों, जबकि वहां पर पावर का लॉस होता था। तो ये सब इसके फायदे हैं, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। उस क्लास को अगर नहीं देखा है तो उसको पूरा देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उस क्लास को पूरा नहीं समझिएगा फिर नेक्स्ट क्लास आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उसको थोड़ा टर्म्स अच्छा से समझ लीजिए, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गियर के बारे में दोस्तों, टाइप्स ऑफ गियर। टाइप्स ऑफ गियर में सबसे पहला चलेंगे हम लोग स्पार गियर में। स्पार गियर क्या होता है दोस्तों, आपके बाइक में अगर आप सर्विसिंग करवाए हैं तो जाके खोल के देखे होइएगा कि उसमें लगा होता है एक गोला का, ठीक है दोस्तों। और इस गोलाकार पर ध्यान दिए होइएगा कि इस पर टीथ बना हुआ है, दांत बना हुआ है, स्टेट में बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। यह जो स्टेट में बना हुआ है वह क्या है, स्पार गियर ही तो है। अब इसमें होता क्या है, आप इसको अगर भाषा के लैंग्वेज के रूप में समझना चाहें तो किसी भी गियर में आपको पता होना चाहिए कि सेंटर में होल जरूर होगा, तब तो वो किसी शाफ्ट पे फिट होगा। जब तक गियर में होल नहीं हुआ तब तक वह किसी शाफ्ट पर फिट नहीं हो सकता है। तो गियर का जो सेंटर होता है, उस सेंटर में जो होल होता है उसका एक एक्सिस होता है। एक्सिस क्या, अर्थात सेंटर में अगर कोई लाइन हो, ये गियर है, इसके सेंटर में एक जो लाइन गया है, यह सेंटर लाइन जो है वह क्या है, एक्सिस है। अर्थात इसके एक्सिस के समानांतर में जब दांत बने होते हैं तो वहां उसे हम क्या कहते हैं, स्पार गियर कहते हैं। अर्थात वैसा गियर जिसके बाहरी सिरे पर क्या हो, एक्सिस के समानांतर टीथ बना हो, तो उसे हम स्पार गियर कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहां करते हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल करते हैं तब जब हमको दो समानांतर शाफ्ट पर पावर को ट्रांसफर करना है। यहां पर एक गियर यहां लगा हुआ है दोस्तों, और फिर एक गियर यहां लगा हुआ है। यह गियर क्या कर रहा है, आपस में दोनों मैच कर रहा है। यहां पे देखिए दोनों टीथ क्या होगा, आपस में मैच करेगा, मैच करेगा तो स्वाभाविक है एक दूसरे पे क्या होगा, पावर को ट्रांसफर करेगा। तो क्या है, यहां पर दोनों शाफ्ट समानांतर है। स्पार गियर के लिए हर हाल में दोनों साथ क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, तभी उस पर यह अपना पावर ट्रांसफर कर सकता है, दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल हम जनरल रूप में करते हैं, किसी मशीन के गियर बॉक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप लेथ मशीन के जाके गियर बॉक्स में देख सकते हैं, या फिर जनरल जो कई गियर है उसमें भी आप देख सकते हैं, बाइक का गियर में जाके देख सकते हैं, और भी कई जगह पर आप देख सकते हैं जो गियर है उसमें जनरली तौर पर स्पार गियर का ही इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे हेलिकल गियर में। दूसरा टाइप है दोस्तों हेलिकल गियर। हेलिकल मतलब क्या होता है, हेलिकल मतलब होता है क्या, हेलिक्स। हेलिक्स एंगल हम लोग पढ़े थे कहां पे दोस्तों, हेलिक्स एंगल हम लोग पढ़े थे इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। तो हेलिक्स एंगल में टीथ जो पढ़े थे, स्क्रू थ्रेड जो टॉपिक पढ़े थे उसमें पढ़े थे हेलिक्स। हेलिक्स होता क्या है, जब
किसी भी एक्सिस से 90 डिग्री के कोण अगर के काल्पनिक लेते हैं और उससे किसी निश्चित एंगल में दांत बना होता है अर्थात रिज बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलिक्स एंगल बोलते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो सेंटर है ना, अर्थात सेंटर का जो एक्सिस है ना, उससे इस पर एक हेलिक्स में एक कोण में दांत बने होते हैं, अर्थात यहां पर एक्सिस के समानांतर दांत नहीं होते। तो क्या होते हैं, एक निश्चित कोण में होते हैं। किसके निश्चित कोण में, तो एक्सिस से निश्चित कोण में, एक्सिस के साथ एक निश्चित कोण में यह बनाता है कौन सा, यह दांत। इसलिए इसको हम क्या नाम रखे हैं, हेलिकल गियर, क्योंकि इसका दांत जो है हेलिक्स एंगल तैयार करता है, दोनों के बीच क्या तैयार करता है, हेलिक्स एंगल तैयार करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल गियर। अब इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। फायदे क्या है दोस्तों, कि यह स्पार गियर की अपेक्षा अधिक पावर को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन इसके नुकसान क्या है, नुकसान यह है कि जब यहां पर दो शाफ्ट के साथ यह पावर को ट्रांसफर करेगा दोस्तों, तो होता क्या है कि अधिक ज्यादा स्पीड या लोड देने पर क्या होता है कि यह एक दूसरे को धकेलने का काम करता है, क्योंकि वन साइडेड टीथ होते हैं, वन साइडेड टीथ होने के कारण क्या करता है कि यह शाफ्ट को और पुल्ली को क्या करता है, धकेलने का, शाफ्ट को जिस पर यह सेट होता है उसको चाहता है यह कि हम एक दूसरे को क्या करें, धकेल दें इसको, यानी कि वन साइडेड इसको फोर्स करता है, किसी एक साइड में, जिस साइड में इसका दांत बना हुआ है उस साइड यह फोर्स करने का काम करता है, बल लगाता है, जिसके कारण अधिक गियर, अधिक बल लगाने पर क्या होता है कि यह स्लिप करने का डर रहता है, यानी कि मतलब पावर को कम करने का, टूटने का डर रहता है, इसका जो दांत होता है वह टूटने का डर रहता है। तो ये इसका निगेटिव पॉइंट है, लेकिन स्पार गियर की अपेक्षा अधिक पावर को यह ट्रांसफर करता है। इसका भी इस्तेमाल हम किसी समानांतर शाफ्ट पर ही करते हैं, जिस तरीके से स्पार गियर का इस्तेमाल हम समानांतर शाफ्ट पर कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से हेलिकल गियर का इस्तेमाल भी हम समानांतर शाफ्ट पर ही दोस्तों करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे टाइप पे, हेरिंग बोन गियर। हेरिंग बोन गियर, यह हेरिंग बोन गियर क्या होता है दोस्तों, हेलिकल गियर का आप क्या कर रहे हैं, हेलिकल गियर में एक तरफ से हेलिकल था और हेरिंग बोन में बस थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, इसमें दोनों तरफ से दांत है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम दोनों तरफ से दांत दे देते हैं तो यह क्या हो जाता है, इस तरीके से भी बन जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल आपको दें तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा आपको, आप ट्रैक्टर का इंजन जो होता है, ट्रैक्टर इंजन जो होता है उसका जो पिछला बड़ा वाला चक्का होता है उसपे गौर कीजिए, उसपे देखिए, ठीक इसी तरीके से भीग में, भी शेप में एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ दांत बना हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका पकड़ हैवी होता है। आप कभी ट्रैक्टर के पिछले चक्के को ये नहीं देखते होइएगा वह स्लिप करता, उसमें कभी आप जिसे आपके गियर में क्या लगा होता, आपके बाइक में लगा शॉकर, उसमें आप शॉकर नहीं देखते हैं, क्यों, क्योंकि वह कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में आसानी से चल देता है, किसी भी पोजीशन को आसानी से वह वहां उस रूट से गुजर सकता है, उसमें दांत इसी तरीके से बने होते हैं। यह दांत आप बड़े बड़े जो हैवी लोड के फोर्स के जो सेना के कुछ होते हैं ट्रेवल करने के लिए ट्रक वगैरह, उस सब में भी इस तरीके की आप टायर का इस्तेमाल होते हुए देखते हुएगा, तो वही रीजन होता है। तो यह जो होता है काफी हैवी होता है, इस पोजिशन का अगर टिथ होता है तो वह काफी हैवी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम हाई स्पीड पर और हैवी लोड को, हाई स्पीड पर हैवी लोड को पावर ट्रांसफर करने के लिए हेरिंग बोन गियर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि इस पर जो दांत बने होते हैं ना वह दो भी एक एंगल में होते हैं, अर्थात दोनों तरफ से जो दांत होते हैं एक दूसरे को काटते हैं, जो ही एक दूसरे को काटते हैं तो क्या होता है कि भी शेप बन जाता है, जिसके कारण अब यह इधर से पावर को ना उधर धकेल सकता है ना उधर से इधर की ओर फोर्स कर सकता है, अर्थात किसी वन साइडेड फोर्स इसमें होता नहीं है, और वन साइडेड फोर्स अगर नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पावर जो है एक दूसरे के ऊपर ही लगेगा, जितना पावर यह दे रहा है उतना पावर दूसरे साफ्ट में पूरा पूरा जा रहा है 100%। क्यों, क्योंकि इसका पावर लॉस नहीं हो रहा है, इसका पावर इधर उधर नहीं जा रहा है, वन साइडेड नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा फोर्स दूसरे साफ्ट पे जा रहा है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हम हाई स्पीड पर अधिक फोर्स को
अधिक बल को लगाने के लिए, अधिक ताकत को लगाने के लिए हम हेरिंगबोन गियर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल हम समानांतर शाफ्ट पर ही करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, स्पार गियर, हेलिकल गियर और हेरिंगबोन गियर, तीनों गियर का इस्तेमाल हम किसी समानांतर शाफ्ट पर ही करते हैं। तीनों गियर का इस्तेमाल हम किसी समानांतर शाफ्ट पर ही करते हैं दोस्तों, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को जानना है बेवेल गियर। यह बेवेल गियर क्या होता है दोस्तों? बेवेल गियर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोस्तों हम मिटा दे रहे हैं। बेवेल गियर होता क्या है दोस्तों? अब देखिए, अभी तक सभी तो समानांतर शाफ्ट पर ही पावर को ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन अगर हमको किसी एंगल में पावर को ट्रांसफर करना है, किसी कोण में पावर को ट्रांसफर करना है, तो क्या इस तीनों गियर का हम इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं। तो वैसे स्थिति में हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? बेवेल गियर का। बेवेल गियर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब दो शाफ्ट का एक्सिस, दो शाफ्ट का अर्थात इसका भी सेंटर और इसका भी सेंटर आपस में एक दूसरे को क्रॉस करता है, आपस में एक दूसरे को क्या करता है? क्रॉस करता है। याद रखिएगा दोस्तों, बेवेल गियर के हम एक्सिस की बात कर रहे हैं, फिर हम आगे चलेंगे दूसरे गियर में, वहां पर शाफ्ट एक दूसरे को क्रॉस करेगा, एक्सिस क्रॉस नहीं करेगा। यहां पर एक्सिस क्रॉस कर रहा है, एक्सिस एक दूसरे को काटने का काम कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है, जब दो शाफ्ट एक दूसरे को एक्सिस पर क्रॉस करता है, एक्सिस पर काटने का काम करता है, तो वहां पर हम बेवेल गियर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे दोस्तों? अब गौर से देखिए, यहां पर देखिए एक गियर इस तरीके का लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, और यहां पर एक गियर जो है दोस्तों वह इस तरीके का लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये अगर मूवमेंट करता है तो ये मूवमेंट करेगा या नहीं करेगा? तो वैसी स्थिति में यह 90 डिग्री में पावर को ट्रांसफर किया या नहीं किया, तो बस इसी चीज को हमको देखना है। यहाँ पे गौर से देखिए, जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ किस तरह का लगा हुआ है पिनियन, और जो वर्टिकल है उसके साथ किस तरह का लगा हुआ है। इस दोनों देखिए, दोनों का जो टीथ है एक दूसरे को क्या कर रहा है? मैच हो गया है, और मैच हो गया है, जो भी मैच हो जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरे पर पावर को ट्रांसफर करेगा। जब तक एक दूसरे के साथ मैच नहीं होगा तब तक वह पावर का ट्रांसफर नहीं होगा। एक चीज मैं इंपोर्टेंट चीज और बता दूं, किसी भी गियर जब मैच होता है तो उसके टीथ का साइज सभी का समान होता है, उसका पिच समान होता है, उसका डेप्थ समान होता है, जब दो गियर आपस में मैच होते हैं। हाँ, उनकी संख्या अधिक हो सकती है, उनकी संख्या एक की संख्या कम एक की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन उसके साइज जो है वह सभी समान होंगे। इस चीज का हमेशा याद रखना है, किसका? दांत का। ठीक है दोस्तों, इस चीज का हमेशा याद रखना है। तो जब तक यह समान नहीं हुआ तब तक एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं होगा, और एडजस्ट नहीं होगा तो पावर का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों टीथ का समान होना अनिवार्य है। तो यहां भी दोनों टीथ एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, और मैच करेंगे तो क्या होगा कि यह पावर इस पर ट्रांसफर करेगा या यह पावर इस पर ट्रांसफर करेगा, जो ड्राइव होगा वह ड्रिवेन पर पावर को ट्रांसफर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो 90 डिग्री में पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम बेवेल गियर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर देखिए, बेवेल गियर दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट टीथ, एक होता है स्ट्रेट टीथ, और दूसरा होता है स्पाइरल टीथ। स्ट्रेट टीथ और स्पाइरल टीथ क्या होता है दोस्तों? यहां पर मैंने जो फिगर बनाया है दोस्तों, यह स्ट्रेट टीथ है, यह इसका दांत क्या है? स्ट्रेट है, सीधा है। लेकिन कुछ बेवेल गियर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे दोस्तों जिस पर स्पाइरल टीथ इस तरीके के टीथ बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो भी बेवेल गियर ही है, लेकिन वह क्या है? उसमें स्पाइरल टीथ है, इसमें क्या है? स्ट्रेट टीथ है। इस चीज को ध्यान रखिए, काम दोनों का समान है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसी में थोड़ा सा कुछ चेंजिंग आ जा रहा है, और उसका नाम है वर्म एंड वर्म व्हील गियर। वर्म एंड वर्म व्हील गियर, वर्म एंड वर्म व्हील गियर क्या होता है दोस्तों? वर्म जो होता है वह क्या होता है? एक शाफ्ट होता है,
एक क्या होता है, साफ होता था, एक रॉड होता है, इस रॉड पर एक हेलिक्स में दांत बने होते हैं दोस्तों। इस तरीके से इस पर क्या होते हैं दोस्तों कि दांत बने होते हैं। यह दांत जो होता है इस तरीके से, फिर यह इधर से दांत आके फिर इधर से इस तरीके से स्पाइरल में बना होता है दोस्तों, ठीक है। अब यह स्पाइरल में जो दांत बना होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यह दूसरे को स्लाइड कर रहा है। इसके साथ क्या होता है दोस्तों, ऊपर में एक वर्म व्हील लगा होता है। ऊपर में दोस्तों क्या होता है, एक वर्म व्हील लगा होता है, उस पर इस तरीके से क्या होते हैं दांत बने होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अगर मूवमेंट करेगा तो इसको खुद ब खुद यह धकेलने का काम करता है, घुमाने का काम करता है। इसमें देखिए दोस्तों एक चीज को पहचानना है, इसे हम वर्म कहते हैं। जो रॉड पे दांत बना हुआ है, हेलिक्स के कोण में बना हुआ है, अर्थात क्या है कि एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर अगर एक कल्पना करते हैं तो उसके साथ एक क्या है, ये एक्सिस है, इसके साथ हम 90 डिग्री का कल्पना किए। अब इस 90 डिग्री के साथ एक क्या है, एंगल में दांत बना हुआ है, ठीक है। तभी वह क्या होगा, पावर को ट्रांसफर करेगा, मूवमेंट करेगा। जब तक यह एंगल में नहीं हुआ तब तक तो यह पावर को ट्रांसफर करेगा ही नहीं। तो यहां पर एंगल में बना हुआ यह क्या करता है, जब यह साफ मूवमेंट करता है तो यह क्या करता है, इस व्हील को भी मूवमेंट देता है। अर्थात यह एक वर्म है और यह एक वर्म व्हील है। यह क्या है दोस्तों, वर्म व्हील है। क्यों, क्योंकि जब तक यह व्हील नहीं हुआ तब तक यह रोटेट होगा नहीं। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम क्या किए कि एक दूसरे को फिर से 90 डिग्री में हम पावर को ट्रांसफर किए। यह जो व्हील लगा होता है, यह व्हील क्या चीज पे सेट होता है दोस्तों, एक शाफ्ट पे सेट होता है। उस शाफ्ट पर हमको शाफ्ट को घुमाना है, तो शाफ्ट को घुमाना है क्या किए, इस शाफ्ट पर एक कीवे बना दिए, ठीक है दोस्तों। कीवे समझते हैं ना, फास्टनर चैप्टर में हम लोग की पढ़ते हैं। और की का उपयोग क्या होता है, दो ऐसे पार्ट्स को जोड़ना जो क्या हो, आपस में ज्वाइंट हो जाए और पावर को ट्रांसफर करे। तो क्या की बना के, हम कीवे बना के इसमें की डाल के दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया। अब ये मूवमेंट करेगा तो ये व्हील मूवमेंट करेगा, और ये व्हील मूवमेंट करेगा तो ये शाफ्ट मूवमेंट करेगा। अब इस स्थिति में देखिए कि दो जो शाफ्ट है, वह दो शाफ्ट एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। दो शाफ्ट क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर से, अब इसको काट नहीं रहा है, ये दोनों शाफ्ट एक दूसरे को काटने का काम नहीं कर रहा है दोस्तों। यहां पर क्या था कि दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटने का काम रहा था, यहां पर एक दूसरे के ऊपर है, यहां पर एक दूसरे के ऊपर है, इस तरीके से है, इसको काटने का काम नहीं कर रहा है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो जब कि दो शाफ्ट 90 डिग्री में पावर को ट्रांसफर करना हो लेकिन दोनों एक दूसरे को काटने का काम नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में हम वर्म और वर्म व्हील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि यहां पर हमेशा वर्म व्हील को घुमाता है। वर्म रोटेट करेगा तो वर्म व्हील घूमेगा, रोटेट करेगा, लेकिन वर्म व्हील के द्वारा वर्म पर हम पावर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि वर्म व्हील ड्राइव कभी नहीं बन सकता है। ड्राइव बनेगा कौन, तो वर्म बनेगा। वर्म व्हील हमेशा ड्रिवेन बनेगा, अर्थात वर्म व्हील पर वर्म के द्वारा पावर दिया जाएगा। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये था मेरा वर्म और वर्म व्हील गियर, ठीक है दोस्तों। इस चीज का एग्जांपल आपको हम मैं बता दूं कहां पे रहता है। इसका एग्जांपल अगर चारा कल आपके पास है तो चारा कल में गौर कीजिएगा, जब आप चारा कल को घुमाते हैं, बड़ा वाला चक्का जब आप घुमाते हैं, वो जो रोटेट करता है, तो वह एक शाफ्ट पर फिट है, और वह जो शाफ्ट पर फिट है तो वह शाफ्ट जो मूवमेंट कर रहा है, वह शाफ्ट के साथ क्या लगा हुआ है, उस शाफ्ट के साथ वर्म लगा हुआ है। जो आप बड़ा वाला चक्का घुमा रहे हैं वह किसके साथ, सांप के साथ जुड़ा हुआ है, वह सांप के साथ क्या लगा हुआ है, वर्म लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और वर्म क्या कर रहा है कि उसके ऊपर क्या फिट है, वर्म व्हील फिट है, जिसके कारण वह 90 डिग्री में मूवमेंट कर रहा है। वहां पे जाके गौर से देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यह भी कई जगह होता है, आपको अगर देखना चाहे तो अगर कभी गन्ना पेराई वाला मशीन देखे होइएगा तो उसमें देखिएगा ये वाला बेवल गियर ही फिट होता है, ठीक है दोस्तों। तो या फिर हैंडलिंग मशीन, हाँ ये हैंडलिंग मशीन अगर देखे हुएगा तो हैंडलिंग मशीन में भी बेवल गियर ही फिट होता है, ये बेवल गियर फिट होता है। तो गौर से देखिएगा तो आपको वहां भी नजर में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह था मेरा बेवल गियर और वर्म एंड वर्म व्हील गियर। एक गियर और दोस्तों बच रहा है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों
रैक एंड पिनियन गियर, रैक एंड पिनियन गियर। यह रैक एंड पिनियन गियर क्या है दोस्तों, इसको हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों। रैक क्या होता है दोस्तों, रैक एक सीधी क्या होता है, रैखिक होता है, ठीक है, और इस रैखिक पर क्या होता है, दांत बना होता है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। नीचे से या ऊपर से जैसा जरूरत, उसको पलट दिए तो ऊपर से हो गया, ऐसे घुमा दिए तो नीचे से हो गया, यह क्या हो गया, रैक हो गया। अब इसके साथ हम क्या किए, स्पार गियर है ना दोस्तों, स्पार गियर को हम पिनियन भी बोलते हैं, स्पार गियर को हम क्या बोलते हैं, पिनियन भी बोलते हैं। अब हम ये क्या किए, यहां पर पिनियन सेट कर दिए, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर जब हम पिनियन सेट कर दिए, ये रैक है, ठीक है दोस्तों, ये रैक हो गया और ये पिनियन हो गया। अब यह रैक और पिनियन क्या करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए यह क्या है, स्टेट है, यह क्या है, स्टेट है, और यह क्या है दोस्तों, सर्कुलर है, यह क्या है, सर्कुलर है। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे कहां पर, जहां पर दोस्तों हमको रैखिक मोशन को किसमें कन्वर्ट करना हो, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना हो। सर्कुलर मोशन है ना, ये सर्कुलर मोशन है, और ये क्या है, लीनियर मोशन है। तो लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना हो, या सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना हो, अर्थात रैखिक गति में ट्रांसफर करना हो, इसी को लीनियर मोशन को ही हम रैखिक गति बोलते हैं दोस्तों। तो रैखिक गति में ट्रांसफर करना हो किसको, सर्कुलर मोशन को, वृत्ताकार गति को, तो ऐसी स्थिति में हम किसका उपयोग करते हैं, रैक एंड पिनियन गियर का। यह होता कहां है दोस्तों, आप लेथ मशीन अगर देख रहे हैं तो लेथ मशीन पर नीचे से गौर कीजिएगा, बेल्ट के नीचे रैक लगा होता है, ठीक है दोस्तों, और कैरेज में, आपके कैरेज में पिनियन लगा होता है जो इस रैक के साथ मैच किया हुआ रहता है। जो ही यह मैच रहता है तो क्या, जब हम घुमाते हैं कैरियर को, कैरेज को, तो क्या होता है, इसी के बदौलत कैरेज मेरा मूवमेंट करता है आगे पीछे। अगर वहां पर यह ना हो तो मेरा कैरेज आगे पीछे मूवमेंट नहीं करेगा। तो कैरेज को मूवमेंट देने क्या है, कैरेज को हम घुमाते तो हैं ऐसे, यानी कि हम क्या करते हैं, वहां पर हम सर्कुलर मोशन पावर लगा रहे हैं, लेकिन वह घूमता है कैसे, रैखिक मोशन में घूम रहा है, अर्थात किस रूप में, लीनियर मोशन में मूवमेंट कर रहा है। तो वहां पर इसका मतलब क्या है, कौन सा गियर फिट है, तो रैक एंड पिनियन गियर फिट है, ठीक है दोस्तों। तो जब हमको लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में ट्रांसफर करना है तो हम क्या करते हैं, रैक एंड पिनियन गियर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। यह थे हमारे मुख्य 6 गियर जिसके बारे में हम लोग आज जाने। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।